दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी लापरवाही का खुलासा। बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई, लेकिन स्टोरेज की बजाय बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई। फायर एनओसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 9 जुलाई 2024 को कोचिंग सेंटर को मिला है एनओसी फायर ब्रिगेड से। दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस की कार्रवाई तेज। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ बड़ा हादसा। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरा। 2 छात्रा और 1 छात्र की जान गई। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की हुई पहचान। नवीन डालवी, नेतानिया सोनी और श्रेया यादव की हुई मौत। श्रेया ने जून जुलाई में ही लिया था कोचिंग में एडमिशन। शनिवार शाम को 7 बजे के करीब हुआ हादसा। बारिश के बीच इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक ही पानी भरा। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में है लाइब्रेरी। हादसे के वक्त वहां से 30 से 35 छात्र थे। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच के शीशे टूट गए। छात्रों को रस्सियों से बाहर निकाला गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे का वीडियो आया सामने। वीडियो में अफरा तफरी का माहौल दिखा। बेसमेंट से बाहर निकलते दिखे लोग। दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने एमसीडी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों से एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने शांति बनाए रखने की अपील की। बोले कि हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, जांच जारी है, कानूनी तौर पर जो भी संभव होगा वो करेंगे। कोचिंग हादसे वाली जगह पर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। प्रदर्शनकारी छात्रों ने किया विरोध, गो बैक के नारे लगाए। दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय का बयान। बोली कोचिंग सेंटर हादसा दुखद घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी। मामले में सख्त कार्रवाई होगी। हादसे में जान गंवाने वाले छात्र श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आधिकारिक तौर पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो। कोचिंग हादसे के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को दिए निर्देश। कहा कि सभी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो जो नियमों का उल्लंघन करें, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। दिल्ली के मंत्री अतिशी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे के घटनास्थल पर पहुंची आप सांसद स्वाति मालीवाल। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। कोचिंग हादसे पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हुए। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। संतोष गंगवार झारखंड और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त। गुलाब चंद कटारिया असम से भेजे गए पंजाब। हरिभाई किशन राव भागड़े राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया। रमन डेका छत्तीसगढ़, सीएच विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के सांसद, मणिपुर का भी भार। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया है, देशवासी अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, ये दुनिया में तिरंगा लहराने का मौका। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इस प्रोजेक्ट के तहत नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़े पहनने के लिए अपील की। कहा कि खादी का कपड़ा कारोबार करीब 1.5 लाख करोड़ पहली बार पहुंचा है। हैंडलूम उत्पादों की मांग लगातार बढ़ी है। पीएम मोदी बोले भारत को ड्रग्स फ्री देश बनाना है, ड्रग्स पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, अमित शाह ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। एमपी में बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भोपाल में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सुना मन की बात कार्यक्रम। पीयूष गोयल के साथ कई और नेता भी मौजूद रहे। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कावेरी डेल्टा सिंचाई के लिए मिट्टूर बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर। भारतीय सेना ने घुसपैठ को बड़ी कोशिश को नाकाम किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौर का पार्थिव शरीर बदायूं में उनके पैतृक घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे। पुंछ के मांगन नगर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ के बाद सेना ने चलाया अभियान। बजट को लेकर बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बोले कि बजट में युवा और एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया गया, मध्यम वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले ममता बनर्जी का माइक बंद करने का आरोप गलत है। जिस तरह से वो मीटिंग छोड़कर गई थी, ऐसा लगता है कि वो विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी। नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के बहिष्कार करने पर बोले गौरव गोगोई, बीजेपी ने केंद्रीय बजट के जरिए पूरे देश का बहिष्कार किया है। केंद्र की दिलचस्पी सिर्फ सरकार बचाने में है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बैठक में किसी को भी 7 मिनट से ज्यादा नहीं वक्त मिला। लगता है कि ममता सोची समझी रणनीति के तहत मीटिंग छोड़कर वापस चली गई।
लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर हुई चर्चा। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना वाले बयान पर भड़के एनसीपी नेता शरद पवार, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए राज्य से किया था बाहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शरद पवार पर पलटवार, कहा कि अमित शाह पर झूठे आरोप के लिए देश से माफी मांगे। अमित शाह पर लगा केस बेबुनियाद था, ये एक षड्यंत्र था। मैनपुरी में प्रशासन ने की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण का बुलडोजर चलाकर कराया गया कब्जा मुक्त। ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों ने किया था अवैध रूप से कब्जा, बुलडोजर चलाकर कराया गया खाली। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग को मिली 58 नई एम्बुलेंस, सीएम मान ने चंडीगढ़ में हरी झंडी दिखाकर किया ऐलान। पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार। जम्मू में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के चलते आई बाढ़, प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटा है आपदा बल। कोल्हापुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पंचगंगा नदी। नदी के आसपास के इलाकों में भरा पानी, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। भोपाल के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, जगह जगह हुआ जल जमाव। एमपी के उज्जैन में कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किए बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के बेतवा में भारी बारिश का कहर, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, कई मंदिरों के चारों तरफ बह रहा है पानी। शिमला में हुई भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जीत से आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से मनदीप सिंह, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह ने किया गोल। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप टिर्की ने की टीम की तारीफ। पीवी सिंधु ने पेरिस ओलंपिक में जीत से की शुरुआत। वुमेन्स सिंगल्स के ग्रुप एम में अपने पहले मुकाबले में मालदीव की फातिमा नबाह अब्दुल रजाक को